बंधन आज हम शेमुशी द्वितीय भाग संस्कृत पाठ पुस्तकम के अंतर्गत पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। विचित्र साक्षी, विचित्र गवाह, ओम प्रकाश ठाकुर। यहाँ पर आज हम इसके पहले के कुछ अनुवादों को आपको पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं। आज उसके जो और अनुवाद हैं उसको आगे का हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो ये जैसे कि बता रही थी, ओम प्रकाश ठाकुर लिखे थे इनके जो रचिता हैं, और जो विचित्र गवाह आज हम पढ़ने वाले हैं। आप ये पिक्चर देख रहे हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम तत्रोपेत काष्ठपटले निहितम पटाच्छादितम देहम। फिर यहाँ पर क्या आएगा कि इस कंधेन बहंतौ न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्तौ आर्थी सुपुष्ट देह आसीत अभियुक्तस्य अतीव कृशकायः भारवतः सवस्य स्कंधेन बहनम तत्कृते दुष्करम आसीत सह भार वेदनया कृदन्ति स्म तस्य कृदन्नम निशम्य मुदित आर्षी। तो उसने क्या कहा, तमुच्वारे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वयाहं चोरिताया मंजूषाया ग्रहणाद वारितः इदानीं निज कृतस्य फलं भुक्ष्वः अस्मिन् चौर्यभियोगे त्वं वर्ष त्रयस्य कारादण्डं लपस्ये इति प्रोच उच्चैः अहसत् यथा कथ चिंतित उभौ शव मानी एकस्मिन् चत्वरे स्थापित बंतौ। इसके पहले हम शब्दार्थों को पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए शब्दार्थ क्या दिया हुआ है, प्राचलताम यानी चले गए, अगच्छताम इसको क्या कहते हैं, अगच्छताम। उपेत यानी पहुंचकर या पास जाकर, समीपम गत्वा काष्ठ पटले यानी लकड़ी के तख्ते पर, काष्ठ यानी लकड़ी, पटले यानी तख्ता, कठस्य पटले निहितम रखे गए, स्थापितम पटाच्छादितम यानी कपड़े से ढके हुए, वस्त्रेणावृतम बहंतौ वहन करते हुए या ढोते हुए, धारयन्तौ प्रस्थितौ, प्रस्थितौ माने चल दिए गतौ, कृशकाय दुबले पतले शरीर वाला, कमजोर शरीर वाला, दुर्बलम शरीरम भारवता यानी भारी या भाकाहीनः, भार वेदनया यानी भार की पीड़ा से, वेदन यानी होता वेदना माने पीड़ा, भार पीड़या क्रंदनम यानी रोने को या रोदनम, निशक्य यानी सुनकर सुत्वा, मुदितः प्रसन्न क्या आएगा, प्रसन्नः, वारितः यानी रोका गया, निवारितः है निवारितः, फिर आता भुंक्ष्व यानी भोगो भोगम। चलिए आगे पढ़ते हैं, अनुवाद समझिए। आज्ञा प्राप्त करके दोनों चले गए, वहां पहुंचकर लकड़ी के तख्ते पर, किस पर, तख्ते पर रखे गए कपड़े से ढके हुए शरीर को कंधे से ढोते हुए न्यायालय की ओर चल दिए। क्या किया, आज्ञा प्राप्त करके दोनों चले गए, पहुंचकर लकड़ी के तख्ते पर रखे हुए मतलब रखे गए जो कपड़े से ढके हुए शरीर को कंधे से ढोते हुए कहां चल दिए, न्यायालय की ओर चल दिए। कोतवाल
हष्ट पुष्ट शरीर वाला था, और जो आरोपी था वो बहुत दुबले पतले शरीर वाला था। जो कोतवाल था वो कैसा था? हष्ट पुष्ट वाला था, है ना। और जो आरोपी था वो कैसा था? दुबले पतले शरीर वाला था। भारी शव को कंधे से ढोना उसके लिए कठिन था, यानी इतने भारी शरीर को कंधे पर उठाकर वो ढो नहीं सकता था। वह भार की पीड़ा से क्या हो रहा था? रो रहा था। भार की पीड़ा से वो रो रहा था। उसका रोना सुनकर प्रसन्न कोतवाल उससे बोला। कोतवाल बड़ा प्रसन्न होकर उससे बोला, क्या बोला? अरे दुष्ट, उस दिन तुम्हारे द्वारा मैं चोरी की गई पेटी ले जाने से रोका गया था। अरे दुष्ट, उस दिन तुम्हारे द्वारा मैं जो पेटी चोरी हुई थी ना, तो तुम्हारे द्वारा मैं क्या कर लिया गया था? रोक लिया गया था। अब अपने किए का फल भोगो, भोगो अपने किए का फल। इस चोरी के आरोप में तुम 3 साल के कारागार की क्या काटोगे, क्या पाओगे? सजा। अब तुम इसके बदले में कारागार की 3 साल की क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। ऐसा कहकर वो क्या करने लगा? जोर से हंसने लगा। किसी प्रकार दोनों ने शव को लाकर एक चौराहे पर रख दिया। क्या कर दिया? दोनों ने किसी प्रकार से शव को लाकर एक चौराहे पर रख दिया। चलिए आगे पढ़ते हैं। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनाया विषये वक्तु मादिष्टौ आर्चिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती आश्चर्यम मघटत सह स्व स्व प्रवारकम प्रगार्पम। यहाँ आएगा प्रवार कम पासार्य न्यायाधीशम विवाद्य निवेदितवान। मान्यवर, एतेन आर्चिणा आध्वनि यदुक्तम तद्वर्णयामि। त्वया अहम् चोरिताया मंजूषाया ग्रहणाद वारितः, अतः निजकृत्यस्य फलं भुक्ष्व। अस्मिन् चोर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादण्डं लपस्यसे इति। न्यायाधीशः आर्षिणे कारादण्डमादिश्य तं जनं ससम्मानं मुक्तवान्। अतएव उच्यते दुष्कराण्यापि कर्माणि मति वैभवशालिना नीतिं युक्तुं समालभ्य लीलयै प्रकुर्वते। चलिए अन्वय। मति वैभवशालिनः दुष्कारिणी अपि कर्माणि नीतिं युक्तिं समालंब्य लीलाम एव प्रकुर्वते। अब इसके शब्दार्थों को पढ़ेंगे ताकि आपको उसका अर्थ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तव माने होता है उन दोनों को, उभौ। प्रवारकम यानी ऊपर ओढ़ा हुआ, और कपड़ा जो ऊपर ओढ़ा हुआ क्या था? कपड़ा। आदच्छन वस्त्रम। अपसार्य यानी हटाकर, अपवार्य। ठीक। अभिवाद्य यानी प्रणाम करके, अर्थात अभिवादन कृत्वा। अध्वनि यानी रास्ते में मार्गे। मुक्तवान यानी छोड़ दिया। अत्यज्यत क्या आएगा? अत्यज्यत। मति वैभवशालिनः। मति वैभवशालिनः मतलब बुद्धि संपन्न व्यक्ति। तो इसमें क्या आएगा? बुद्धिमंता। क्या जाएगा? बुद्धिमंता। समालंब्य यानी सहारा लेकर। आश्रयम गृहीत्वा। क्या आएगा? आश्रम गृहीत्वा। आदिश्य आदेश देकर। आदिश्य माने आदेश देकर, आदेशम दत्त्वा। लीलमैव खेल खेल में। लीलमय माने खेल खेल में। कौतुकेन सुगम तया यानी आएगा इसका खेल खेल में। फिर है प्रकुर्वते। प्रकुर्वते यानी कर देते हैं, कुर्वन्ति। चलिए आगे पढ़ते हैं।
न्यायाधीश ने फिर से उन दोनों को घटना के विषय में बताने के लिए क्या किया, आदेश दिया। कोतवाल के द्वारा अपना पक्ष रखे जाने पर एक अद्भुत घटना घटी। उस शव ने ऊपर ओढ़ा हुआ कपड़ा हटाकर न्यायाधीश को क्या किया, प्रणाम करके निवेदन किया। क्या निवेदन किया, हे मान्यवर। देखिए, जो कोतवाल के द्वारा अपना पक्ष जब उसने रख दिया तो एक उसी समय क्या हुई, अचानक घटना घटी। उसने अपने जो ऊपर ओढ़ा हुआ कपड़ा था वो हटा करके न्यायाधीश को प्रणाम करके निवेदन किया। इस कोतवाल के द्वारा रास्ते में जो कहा गया वह बताता हूँ। उसने निवेदन किया कि देखिए मैं बता रहा हूँ किसने मुझसे रास्ते में क्या कहा। तुम्हारे द्वारा मैं चोरी की गई पेटी ले जाने से रोका गया था। उसने बताई पूरी घटना। आप अपने किए का फल भोगो। इस चोरी के आरोप में तुम 3 साल के कारागार की सजा पाओगे, ऐसा कहा। न्यायाधीश ने कोतवाल को कारागार का क्या कर दिया, दंड देकर उस व्यक्ति को सम्मान के साथ क्या कर दिया, छोड़ दिया। इसलिए कहा भी जाता है, तो न्यायाधीश ने क्या किया, उस व्यक्ति को सम्मान के साथ उसको छोड़ दिया। बुद्धि संपन्न व्यक्ति कठिन कार्यों का भी नीति और युक्ति उपाय का सहारा लेकर खेल खेल में ही क्या कर लेते हैं, समाधान कर लेते हैं। कैसे व्यक्ति, जो बुद्धि संपन्न होते हैं वो क्या करते हैं, कठिन कार्यों को भी अपनी बुद्धि का सहारा लेकर खेल खेल में ही उसकी समस्या का समाधान कर लेते हैं, ऐसा कहा गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए यहां पर दिया हुआ है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर। कीदृशे प्रदेशे पद यात्रा ना सुखा बहा, कैसे स्थान पर पैदल यात्रा ठीक नहीं है। उत्तर आएगा बिजने, बिजने विजने माने होता सुनसान, सुनसान रास्ते पर, ठीक है। फिर है अतिथि केन प्रबुद्धा, अतिथि केन प्रबुद्धा माने अतिथि किससे जागा। पाद ध्वनिना यानी पैरों की आवाज, ध्वनि माने आवाज, पाद माने पैर। फिर आता है कृष काया कया कह आसीत, कमजोर शरीर वाला कौन था, तो कौन था, अभियुक्ता, आरोपी था, ठीक है ना, जो कमजोर शरीर वाला आरोपी था। और हष्ट पुष्ट कौन था, कोतवाल। न्यायाधीश कस्मै कारागार दंडम आदिष्टवान, न्यायाधीश ने किसको कारागार के दंड का आदेश दिया, तो किसको दिया, आर छिणे यानी कोतवाल को दिया। कम निष्का मृत शरीरम आसीत, किसके पास मृत शरीर था, क्या आएगा, राजमार्गम, जो मृत शरीर था वो किसके पास था, यानी सड़क के किनारे, यानी राजमार्गम, यानी राजमार्ग पर, यानी सड़क के, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को इस प्रकार पाठ को पढ़ाया, समझाया, उसके अनुवादों को और एक पदेन, इसके आगे के जो प्रश्न है वो आगे की अपने और क्लास में पढ़ेंगे, समझेंगे। तब तक इसको आप अपनी कॉपी में लिखिए और पढ़िए। धन्यवाद।